बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इत्माद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 DA की मैथ 113 फर्स्ट ईयर की है और इस चैप्टर के अंदर हमने 4 टाइप्स को स्टडी करना है। पहली केस नंबर 1 क्या हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड का मतलब रिपीट नहीं होगा लीनियर फैक्टर। बच्चों नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म बनाना पहले सीखेंगे। बच्चों नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म क्या हमारे पास 1/(1 − x)(1 + x)। बच्चों देखो ना, अगर x के ऊपर पावर क्या है हमारे पास 1, तो ये कौन सा फैक्टर है लीनियर। अगर हमारे पास x के ऊपर पावर 1 आ जाए वो कौन सा फैक्टर कहलाएगा लीनियर फैक्टर। बच्चों इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी, अब देखो ये रिपीट नहीं हो रहा, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी, a/(1 − x) a/ पहला फैक्टर प्लस b/(दूसरा फैक्टर) इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बच्चों नॉन रिपीटेड, रिपीट नहीं होगा फैक्टर कौन सा लीनियर। अब देखो x के ऊपर पावर 1 है ये भी लीनियर फैक्टर है और x के ऊपर पावर 1 है ये भी लीनियर फैक्टर है, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी, a/(1 + b/(2) ये था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इसके बाद आ गया रिपीटेड लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी। बच्चों आगे क्या लिख देंगे, फॉर्म हम फॉर्म बनाना पहले सीखेंगे 1/(1 − x)/3। देखो रिपीटेड लीनियर फैक्टर, देखो x के ऊपर पावर कितनी है 1 है, हमने ये होल की पावर को नहीं देखना, जो x के ऊपर पावर है 1, देखो x के ऊपर पावर कितनी हमारे पास 1 है, तो ये कौन सा फैक्टर है लीनियर। रिपीटेड अगर सारे होल की पावर आ जाए वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर कहलाएगा, अगर हमारे पास होल की पावर आ जाए वो कौन सा फैक्टर कहलाएगा रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी, बच्चों इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनेगी a/(1 − x)/1, पावर 3 है तो 3 तक लेके जाएंगे फैक्टर को, b/(1 − x)/2 + c/(1 − x)/3। अब देखो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्यों है, क्योंकि देखो एक ही फैक्टर 1 − x इसके अंदर भी है, 1 − x, 1 − x, एक ही फैक्टर को रिपीट करवाया जा रहा है। बच्चों एक ही फैक्टर को रिपीट करवाया जाए वो कौन सा फैक्टर कहलाएगा रिपीटेड लीनियर फैक्टर। बच्चों रिपीटेड लीनियर फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी, a/(1 − x)/2 + c/(2) + 3। देखो पावर 1 थी 2 3 तक ले, अगर पावर होती 4 मैंने क्या करना था, अगर पावर 4 होती प्लस डी करके और 1 − x)/4 कर देनी थी। अब इसके बाद आ गया नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। बच्चों 1/(1 + x)2। अब देखो x के ऊपर पावर कितनी आ गई 2, बच्चों x के ऊपर पावर 2 आ गई तो ये कौन सा फैक्टर है क्वाड्रेटिक, 2 दर्जी। बच्चों लीनियर का मतलब क्या है 1 दर्जी, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है 2 दर्जी। अब देखो x के ऊपर पावर कितनी आ गई 2, ये कौन सा फैक्टर कहलाएगा क्वाड्रेटिक। इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनाएंगे, बच्चों इसकी आइडेंटिटी फॉर्म ऐसे बनेगी a(x+b/(1 + x)2), नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर ax + b, नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर। केस नंबर 4 रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। बच्चों रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी, a/(1 + x)/2, कितनी पावर आ गई 2, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनाएंगे बच्चों, a/(ax + b/(1 +
एक्स स्क्वायर की पावर वन प्लस बी के बाद क्या है सी एक्स प्लस डी ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर टू। तो ये हमारा कौन सा फैक्टर है, देखो ना एक ही देखो क्वाड्रेटिक फैक्टर को रिपीट करवाया गया इसके अंदर, वन प्लस एक्स स्क्वायर इसके अंदर भी वन प्लस एक्स स्क्वायर, पावर टू थी पावर वन पावर टू, अगर पावर थ्री होती मैंने प्लस डी के बाद ई एक्स प्लस एफ कर देना था, नीचे ये क्वाड्रेटिक फैक्टर की पावर थ्री कर देनी थी। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं किया जा सकता लीनियर फैक्टर, अगर हमारे पास दो डिफरेंट फैक्टर आ जाएं तो ए ओवर पहला फैक्टर बी ओवर दूसरा फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म बनेगी। इसके बाद है रिपीटेड लीनियर फैक्टर, इसका मतलब है रिपीट करवाया जाएगा कौन सा फैक्टर लीनियर फैक्टर, पावर थ्री थी ए ओवर पावर वन बी ओवर पावर टू बी सी ओवर पावर थ्री। इसके बाद आ गया क्वाड्रेटिक, अगर x के ऊपर पावर टू हो तो वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, देखो ये कौन सा फैक्टर है क्वाड्रेटिक, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी ए एक्स प्लस बी ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, रिपीट करवाया जाएगा किसको क्वाड्रेटिक फैक्टर को, देखो इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर अगर होल की पावर आ जाए वो कौन से फैक्टर कहलाएंगे रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। इसकी बच्चों आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी ए एक्स प्लस बी ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन, पावर टू पावर टू तक लेके जाएंगे इसको, प्लस आ गया सी एक्स प्लस डी वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर टू। बच्चों ये हमने फोर केस इसके अंदर हल करने हैं। बच्चों जो उनसे क्वेश्चन नंबर वन है उसके अंदर उसने क्या पूछा, व्हाट इज द पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, नेमुनेटर एंड डिनेमुनेटर इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, बुक से आप लोगों ने याद कर लेनी है, मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन ही बताऊंगा, बोल के बताऊंगा, हल करके नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन जो होंगे वो हल करूंगा। बच्चों अगर पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, नेमुनेटर एंड डिनेमुनेटर इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बाद हमारे पास डिफाइन द प्रॉपर फ्रैक्शन एंड गिवन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी देनी है। बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन क्या, हमारे पास नेमुनेटर लेस देन डिनेमुनेटर ग्रेटर देन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नेमुनेटर लेस देन नेमुनेटर सॉरी ग्रेटर देन डिनेमुनेटर लेस देन आर इक्वल इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ आते हैं, ये तीन डेफिनेशन आप लोगों ने वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉपर इम्प्रॉपर में से एक लाजमी आ जाती है पेपर के अंदर। बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर, बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर रिजॉल्व, हमने क्या करना है रिजॉल्व इन टू पार्शियल फ्रैक्शन, किसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है 2x ओवर x माइनस टू इन टू एक्स प्लस फाइव। बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर, बच्चों जो पहले थ्री क्वेश्चन है उसके अंदर हमने सिर्फ डेफिनेशन ही बतानी है उसकी, वो आप लोगों को मैंने बता दी, बुक से याद कर लेना। जब वो कहेगा रिजोल्व करें, रिजोल्व का मतलब क्या, हमने ए बी की वैल्यू निकालनी है। बच्चों अब हमने क्या करना है, रिजोल्व करना है, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म नहीं बनानी बल्कि इसको रिजोल्व करके इसकी ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों सबसे पहले क्या बनाएंगे इसकी आइडेंटिटी फॉर्म, सॉल्यूशन शुरू करते हैं 2x x माइनस टू इन टू एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव आ गया। बच्चों सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा केस है, ये कौन सी टाइप्स है। अब देखो x के ऊपर पावर वन आ गई लीनियर फैक्टर, x के ऊपर पावर वन आ गई लीनियर फैक्टर, और ये रिपीटेड नहीं है बल्कि डिफरेंट फैक्टर है, डिफरेंट फैक्टर है हमारे पास। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर की फॉर्म कैसे बनेगी, a ओवर पहला फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर। बच्चों केस नंबर वन इस्तेमाल करेंगे, केस नंबर वन, बच्चों कैसे बनेगी a ओवर पहला फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर, बी ओवर दूसरा फैक्टर, इसको इक्वेशन वन का नाम दे देंगे। बच्चों इसको इक्वेशन वन का नाम दे देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लीकेशन बाय किसके साथ, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस फाइव
ऑन बोथ साइड, ऑन है बोथ साइड बच्चों, जिसकी साथ आइडेंटिटी बने, जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है ना, जो नीचे वाली वैल्यू है उसी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे ऑन बोथ साइड। बच्चों ये नीचे इसकी आइडेंटिटी बनाई है ना नीचे वाली वैल्यू की, और जिसके साथ आइडेंटिटी फॉर्म, बच्चों ये आइडेंटिटी फॉर्म है बच्चों, जिसके साथ आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे उसी के साथ क्या करवा देंगे, इक्वेशन वन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे इन दो फैक्टर। देखो ये दो इसके साथ आइडेंटिटी बनाई है, इसी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे बच्चों, ये 2x ओवर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस फाइव, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, इस दो फैक्टर के साथ, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस फाइव बच्चों, ये इक्वल टू आ गया बच्चों, ए आ गया, एक्स माइनस टू को मल्टीप्लाई करवाना है इन दो फैक्टर के साथ, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस फाइव, प्लस आ गया बी, प्लस कितना आ गया, बी आ गया, एक्स प्लस फाइव इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस फाइव के साथ बच्चों, जिसके साथ सबसे पहले क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी फॉर्म। देखो हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं, नॉन रिपीटेड का मतलब क्या है, डिफरेंट होने चाहिए हमारे फैक्टर, कौन से, लीनियर, लीनियर का मतलब क्या है, जिसके ऊपर एक्स के पावर वन है, ये भी एक लीनियर फैक्टर है, ये भी एक लीनियर फैक्टर है, ए ओवर पहला फैक्टर प्लस बी ओवर दूसरा फैक्टर। अब इसको दूसरा स्टेप क्या है, इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है, किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे वाली वैल्यू के साथ जो डिनोमिनेटर के अंदर है, जिसके साथ हमने आइडेंटिटी बनाई है उसी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे ऑन बोथ साइड, इन दो फैक्टर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, इन दो फैक्टर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करा देंगे, इन दो फैक्टर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे बच्चों, ये दोनों फैक्टर इस दोनों फैक्टर के साथ कैंसल, बच्चों हमारे पास क्या बचेगा, 2x आ जाएगा इक्वल टू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, ए इंटू एक्स प्लस फाइव बच्चों, एक्स प्लस फाइव के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, बी इंटू एक्स माइनस टू, इसको इक्वेशन है टू का नाम दे देंगे, ये इक्वेशन वन थी इसको इक्वेशन टू का नाम दे देंगे। अब हमने एक फैक्टर जीरो के बराबर लेना होता है, यक दर्जी एक लीनियर फैक्टर किसके बराबर लेना है, जीरो के बराबर, या पहले ये वाला फैक्टर ले लें या ये वाला ले लें, जवाब हमारा सेम ही आएगा, हम ए के साथ वाला जो उनसा फैक्टर है लीनियर, इसको जीरो के बराबर ले लेंगे, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। इसके बाद हमने एक फैक्टर जीरो के बराबर लेना होता है, मैं एक्स प्लस फाइव जीरो के बराबर ले लूंगा। अब यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की बच्चों, यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की, प्लस का फाइव माइनस का फाइव हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब ये एक्स की जो सी वैल्यू, ये इक्वेशन टू के अंदर पुट करेंगे, कौन सी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, टू के अंदर हम लिख देंगे यहां पर पुट इन वैल्यू इक्वेशन टू के अंदर, हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन टू के अंदर। अब बच्चों जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट करेंगे, माइनस फाइव, जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट कर देंगे बच्चों, माइनस फाइव पुट कर देंगे, प्लस बी आ गया, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस टू, 5 × 2 = 10, माइनस का 10 आ गया बच्चों, ये माइनस का 5 प्लस का 5 क्या आ जाएगा, जीरो बच्चों, क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो का मतलब क्या, शून्य शून्य आ जाएगा, प्लस बी आ गया, माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7 बच्चों, ये जीरो को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा, शून्य शून्य, शून्य शून्य का मतलब क्या है, जीरो, जीरो को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, जीरो, माइनस का 7b आ गया, ये माइनस का 10 बच्चों, ये माइनस का 7b माइनस का 10, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, और 7 इस तरफ क्या है बच्चों, 7 इस तरफ मल्टीप्लाई, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, 7 डिवाइड हो जाएगा, हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, बी की, हमने असल में पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है, बी की निकाल ली। अब देखो ना, एक्स प्लस फाइव फैक्टर जीरो के बराबर लिया था, अब ये वाला फैक्टर जीरो के बराबर ले लेंगे बच्चों, अब कौन सा फैक्टर जीरो के बराबर ले लेंगे, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो,
इसको पुट कर देंगे जीरो के बराबर। और पहले हमने ये लीनियर फैक्टर जीरो के बराबर लिया था तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब ये फैक्टर जीरो के बराबर ले लेंगे, बी के साथ वाला फैक्टर जीरो के बराबर ले लेंगे। यहाँ से वैल्यू किसकी निकालेंगे बच्चों, एक्स की। ये माइनस का टू है, इस तरफ आगे किसका हो जाएगा, प्लस का टू हो जाएगा। किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का टू। बच्चों अभी ये जोन सी एक्स की वैल्यू कौन सी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, टू के अंदर। जोन सी हमने एक्स की वैल्यू निकाली है वो कौन सी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, टू के अंदर। हम यहां पर लिख देंगे पुट इन वैल्यू इक्वेशन किसके अंदर, टू के अंदर। इक्वेशन टू के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट करेंगे, टू। ये ए इसी तरह इस एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, टू प्लस फाइव आ गया। बच्चों जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट कर देंगे, टू। बच्चों जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट करेंगे, टू। दो दुनी चार, दो और पांच कितना आ जाएगा, सात ए आ जाएगा। प्लस का टू माइनस का टू जीरो। बच्चों प्लस का टू माइनस का टू जीरो। जब जीरो को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, जीरो। बच्चों क्या आ जाएगा, शून्य शून्य आ जाएगा। सेवन इधर क्या है, मल्टीप्लाई इस तरफ आगे सेवन डिवाइड हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकाल ली, ए की। असल में हमने ए बी की वैल्यू निकाली। अब क्या करेंगे, इक्वेशन वन के अंदर ए बी की कीमत पुट कर देंगे। बच्चों ए की वैल्यू निकाल ली, ये फैक्टर जीरो के बराबर लेंगे तो बी की आ जाएगी। अगर ये फैक्टर जीरो के बराबर लेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ए बी की वैल्यू कौन सी मसावात के अंदर पुट करेंगे, वन के अंदर। इक्वेशन वन के अंदर पुट इन वैल्यू इक्वेशन वन के अंदर। बच्चों ये टू एक्स इसी तरह ओवर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ए की वैल्यू। इक्वेशन वन के ए की वैल्यू क्या हमारे पास, फोर ओवर सेवन। ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, फोर ओवर सेवन। और नीचे वाला फैक्टर इसी तरह, बच्चों ये नीचे वाला फैक्टर इसी तरह प्लस बी आ गया। बी की वैल्यू क्या हमारे पास, टेन ओवर सेवन। बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, टेन ओवर सेवन। और ये नीचे वाला फैक्टर इसी तरह, नीचे वाला फैक्टर इसी तरह। अब देखो फोर, फोर के ऊपर सेवन भी डिवाइड हो रहा है और एक्स माइनस टू भी डिवाइड हो रहा है। लिहाजा ये जोन सा नीचे वाला सेवन नीचे फेंक देंगे, इस सेवन को नीचे लिख देंगे। बच्चों इस सेवन को क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। प्लस आ गया ये टेन ऊपर, इसी तरह इस सेवन को नीचे लिख देंगे एक्स प्लस फाइव के साथ। देखो ना टेन के नीचे सेवन भी डिवाइड हो रहा है और एक्स प्लस फाइव भी डिवाइड हो रहा है। तो लिहाजा क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, सेवन और एक्स प्लस फाइव को, क्योंकि ये टेन के ऊपर ही डिवाइड होता है। इसलिए ये था हमारा फाइनल आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर फोर था, अब करें क्वेश्चन नंबर फाइव। बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे। अगर बच्चों ये आपको फोर टाइप्स आती हैं तो आप इसके एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ये फोर टाइप्स याद रख लें, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कैसे बनेगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, वन ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स। बच्चों ये देखने में कौन सा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक। देखने में कौन सा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर को अगर ये लीनियर बनना हो, इसको लीनियर बनाना है, सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसको लीनियर फैक्टर। और इसको लीनियर फैक्टर बनाया जा सकता है अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अगर वो लीनियर बनना चाहे तो उसको लीनियर बनाना है। अब देखो ये लीनियर बन सकता है, इसको लीनियर बनाना है अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अगर वो बनता हो लीनियर, उसको लीनियर बना लेना है। जो कैसे बनाएंगे, ये वन ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप बच्चों ये आगे लिखेंगे। अब नीचे से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स। बच्चों नीचे से क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस वन आ गया। यहां से एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स एक एक्स कैंसिल, एक्स बचेगा, एक्स एक्स के साथ कैंसिल, माइनस वन आ गया।
अगर बच्चों क्वाड्रेटिक फैक्टर है, वो लीनियर बनता हो उसको लीनियर बनाना है। देखो ये लीनियर बन सकता था, इसको लीनियर बना दिया। अब बच्चों इसकी क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी फॉर्म x इंटू एक्स माइनस वन। अब देखो ये कौन से फैक्टर है हमारे पास, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, क्योंकि x के ऊपर पावर वन है। कैसे बनेगा, a ओवर पहला फैक्टर, x क्या, x भी एक फैक्टर है, प्लस b ओवर दूसरा फैक्टर। इसको इक्वेशन है टू का नाम दे देंगे बच्चों, इसको इक्वेशन टू का नाम दे देंगे। अब क्या करवाना है, मल्टीप्लाई बच्चों, क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन बाय किसके साथ बच्चों, इसके जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन, और जिसके साथ, जिस वैल्यू के साथ आइडेंटिटी बनाएंगे उसी के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। देखो बच्चों हमने इसकी आइडेंटिटी बनाई है, इसी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब देखो ये वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स इंटू एक्स माइनस वन के साथ। ये मसावी आ गई हमारे पास, ए ओवर एक्स, इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स इंटू एक्स माइनस वन के साथ। बच्चों प्लस आ गया बी माइनस वन। इस देखो ना, ये दोनों वैल्यू ऑन बूथ साइड का मतलब क्या, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना है। ये दोनों फैक्टर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी। बच्चों x इंटू एक्स माइनस वन आ गया बच्चों, ये दोनों फैक्टर के साथ कैंसिल, क्या आ जाएगा, वन। बच्चों x x के साथ कैंसिल, a इंटू एक्स माइनस वन आ गया, प्लस ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, बी एक्स आ गया। इसको इक्वेशन है टू का नाम दे देंगे बच्चों, इसको इक्वेशन है टू का नाम दे देंगे। इसके बाद एक हमने लीनियर फैक्टर जीरो के बराबर लेना होता है। देखो ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, इसको एक फैक्टर को जीरो के बराबर ले लेंगे। मैं एक्स माइनस वन को किसके बराबर ले लूँगा, जीरो के बराबर। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की, माइनस का वन इस तरफ आ गया, प्लस का वन। अब ये जो सी एक्स की वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन टू के अंदर पुट कर देंगे। जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है वो कौन सी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, टू के अंदर। हम यहाँ पर लिख देंगे पुट इन वैल्यू इक्वेशन टू, इक्वेशन टू के अंदर क्या पुट करेंगे, वैल्यू। अब बच्चों जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू वन पुट कर देंगे। जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट करेंगे, वन। बच्चों जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास, वन, वन पुट कर देंगे बच्चों, ए वन। इसी तरह प्लस का वन, माइनस का वन, जीरो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो। जब जीरो को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, जीरो, शून्य शून्य आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, शून्य शून्य, शून्य शून्य का मतलब क्या, जीरो। बी को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी आ जाएगा वन की, बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, वन आ गई बच्चों, बी की वैल्यू आ गई। अब निकालनी है ए की, क्योंकि हमारे पास ए और बी है, ए और बी है बच्चों। पहले हमने x माइनस वन फैक्टर लिया जीरो के बराबर, तो b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब x के b के साथ जो सा फैक्टर है लीनियर x को, इसको अब जीरो के बराबर ले लेंगे, x इक्वल टू जीरो के बराबर। अब x के साथ, b के साथ जो सा फैक्टर x को किसके बराबर ले लेंगे, जीरो के बराबर। अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जीरो। अब पुट कर देंगे, पुट इन वैल्यू इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के अंदर, टू के अंदर बच्चों, इक्वेशन टू के अंदर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, ये वन इसी तरह इक्वल टू, ए भी इसी तरह, एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास, जीरो, प्लस बी, बी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास, जीरो। ये वन इसी तरह, अब ये माइनस का ए आ जाएगा, माइनस वन को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जीरो को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, जीरो, शून्य शून्य आ जाएगा। अब ये माइनस ए के साथ क्या है, माइनस, इस माइनस को वन के साथ फेंक देंगे, इस वन को किसके साथ फेंक देंगे, माइनस को वन के साथ फेंक, ये माइनस इस तरफ चली जाएगी, माइनस वन के साथ आ जाएगी, ये बी की वैल्यू निकाल ली।
अब बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अब पुट कर दे, हमने ए बी की वैल्यू किसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन वन के अंदर। पुट इन वैल्यू इक्वेशन वन, बच्चों ये वन ओवर एक्स इसी तरह, एक्स माइनस वन इसी तरह इज इक्वल टू। अब ए, ए की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस वन आ गई, ये एक्स इसी तरह, प्लस आ गया। बी की वैल्यू कितनी हमारे पास वन, वन पुट कर देंगे, x माइनस वन इसी तरह, ये था हमारा फाइनल आंसर। बच्चों ये हमने किसकी वैल्यू, ये था क्वेश्चन नंबर फाइव। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।